दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ जून जुलाई में जो बारिश की सब्जियां हैं वो आप अपने टेरेस गार्डन में कौन कौन सी लगा सकते हैं। आज मैं आपको 25 से 30 ऐसी खास सब्जियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप जून से लेकर जुलाई तक लगा सकते हैं और फिर पूरी बारिश में इनसे ढेर सारी सब्जियां तोड़ भी सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सब्जियों के नाम तो बताऊंगा ही, साथ में बताऊंगा कि उन्हें किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह के गमले या ग्रो बैग में उन्हें लगाएं और कितने दिन में आपको उनसे सब्जियां तोड़ने को मिलने लगेंगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मॉनसून की सब्जी में सबसे पहली हमारी सब्जी है जो आप जून जुलाई में लगा सकते हैं, वह है टमाटर। टमाटर को लगाने के लिए इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। पौधे तैयार होने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है। जब पौधे 4 से 6 इंच बड़े हो जाएं तो आप इन्हें 12 बाई 12 इंच या इससे ज़्यादा साइज के गमले में लगा दीजिए। लगभग 70 से 80 दिन में आपको टमाटर के पौधे से टमाटर तोड़ने को मिल जाएंगे। दूसरी हमारी सब्जी है बैंगन, जिसे आप बारिश के मौसम में लगा सकते हैं। बैंगन को लगाने के लिए भी इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। पौधे तैयार होने में 20 से 25 दिन का समय लगता है। इसके बाद आप इन पौधों को 15 इंच या इससे बड़े गमले में लगा दीजिए। लगभग 70 से 80 दिन में आपको बैंगन के पौधे से बैंगन तोड़ने को मिल जाएंगे। बैंगन में आप काले बैंगन, ग्रीन बैंगन और वाइट बैंगन, इस तरह के अलग अलग तरह के अपने पसंद के हिसाब से बैंगन लगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है लौकी। लौकी को आप बारिश के मौसम में उगा सकते हैं। लौकी को लगाने के लिए आपको जो गमला या ग्रो बैग लेना है उसकी साइज 18 बाई 18 इंच या 24 बाई 24 इंच होनी चाहिए। जितना बड़ा आप ग्रो बैग लेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। लौकी को सीधे ही ग्रो बैग में लगाया जा सकता है और लौकी लगाने के लगभग 55 से 60 दिन बाद ही आपको इससे लौकी तोड़ने को मिल जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि लौकी एक बेल वाली सब्जी है, तो इसे बेल पर आप किसी क्रीपर नेट की मदद से इसकी जो बेल है उसे ऊपर फैला सकते हैं। और फिर इसमें आपको ध्यान रखना है हैंड पॉलिनेशन का, क्योंकि लौकी में मेल और फीमेल फूल अलग अलग आते हैं, तो इसमें आप हैंड पॉलिनेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा मात्रा में जो है लौकी मिलेंगी। अगली हमारी सब्जी है करेला, जो कि आप बरसात के समय में उगा सकते हैं। करेला को सीधे ग्रो बैग में लगाया जा सकता है। करेला लगाने के लिए जो ग्रो बैग की साइज है वो 18 बाई 18 इंच या 20 बाई 20 इंच आप ले सकते हैं। करेले की भी बेल होती है, इसकी बेल को भी आपको किसी क्रीपर नेट या फिर मचान का सहारा देना होगा। करेले लगाने के बाद लगभग आपको 60 से 70 दिन में आपको इससे करेले तोड़ने को मिल जाएंगे। करेले भी जैसे कि लंबे करेले होते हैं, छोटे करेले होते हैं, सफ़ेद करेले होते हैं, अलग अलग तरह के करेले आते हैं, तो आप अपने पसंद के हिसाब से करेले को जो है बरसात के मौसम में उगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है जो जून जुलाई में लगा सकते हैं आप, वह है भिंडी। भिंडी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है बारिश के मौसम में। भिंडी लगाने के लिए इसके बीज को सीधे ही आप ग्रो बैग में लगा सकते हैं। भिंडी लगाने के लिए आप 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग ले सकते हैं। इसमें 4 से 6 पौधे आपको भिंडी के लगाने हैं। भिंडी लगाने के लगभग 45 से 50 दिन बाद ही आपको यहां से भिंडी तोड़ने को मिलने लगेगी और कंटिन्यू 1 से 2 महीने आपको यहां से भिंडी तोड़ने को मिलती जाएगी। अगली हमारी सब्जी है कद्दू। कद्दू को आप बरसात के समय में लगा सकते हैं। कद्दू लगाने के लिए बड़े साइज का ग्रो बैग लीजिए। 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग बेस्ट होता है कद्दू लगाने के लिए। और कद्दू के आप एक 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में 2 जो है पौधे लगा सकते हैं और कद्दू लगाने के लगभग 60 से 80 दिन बाद आपको वहां से कद्दू तोड़ने को मिल जाएंगे। कद्दू की भी बेल होती है, तो इसकी बेल को भी आपको किसी क्रीपर नेट की मदद से फैलाना होगा या फिर आपको कोई मचान बनानी होगी ताकि इसकी बेल ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर फैल पाए और वहाँ से आपको ढेर सारे कद्दू मिलें। अगली हमारी सब्जी है खीरा। खीरा को रेनी सीजन में उगाना बहुत ही आसान है। खीरा को आप डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा सकते हैं। ग्रो बैग की साइज है 15 बाई 15 इंच। खीरा लगाने के लगभग 50 से 60 दिन बाद ही आपको इसमें से खीरा तोड़ने को मिल जाएंगे और खीरा काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, तो बरसात के मौसम में ज़रूर खीरा ट्राई करें। अगली हमारी सब्जी है जो आप बारिश के मौसम में उगा सकते हैं, वह है मिर्च।
मिर्च को लगाने के लिए पहले इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। पौधे तैयार होने में लगभग 20 से 30 दिन का समय लगता है। पौधे तैयार हो जाने के बाद आप इनके एक एक पौधे को 12 इंच या इससे बड़े साइज के ग्रो बैग में लगा दीजिए और 60 से 70 दिन बाद आपको यहाँ से ढेर सारी मिर्च तोड़ने को मिलेंगी। मिर्च की भी बहुत सारी वेरायटी आती है। ऊपर की तरफ होने वाली मिर्च, गोल मिर्च, चिली अचारी, लंबी मिर्च, इस तरह से आप अपनी पसंद के हिसाब से मिर्च के बीज खरीद सकते हैं और फिर उन्हें लगा सकते हैं। मैं आपको जो ये सारी सब्जियां आज बता रहा हूँ, इन सब्जियों के बीज आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हाई जर्मिनेशन के साथ आपको ये सीड मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप इन्हें खरीद सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है जो आप बारिश के मौसम में उगा सकते हैं, वह है जुकिनी। जुकिनी को बड़े ही आसानी से अपने होम गार्डन में उगाया जा सकता है। इसके लिए जो ग्रो बैग का साइज है वह 18x18 इंच। 18x18 इंच के ग्रो बैग में आप 1 से 2 जुकिनी के पौधे उगा सकते हैं और जुकिनी लगाने के लगभग 50 से 60 दिन बाद ही तोड़ने को मिलने लगती है। जुकिनी भी आपको ग्रीन येलो में मिल जाएगी, येलो कलर में मिल जाएगी, तो आप अपने पसंद के हिसाब से जुकिनी के सीड लगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को आप जून जुलाई में लगा सकते हैं। इसके लिए जो ग्रो बैग का साइज है 12x12 इंच है और इसके भी पहले पौधे तैयार किए जाते हैं, फिर इन पौधों को ग्रो बैग में ट्रांसफर कर दीजिए। 50 से 60 दिन में आपको शिमला मिर्च के पौधे से शिमला मिर्च तोड़ने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न दोनों को आप रेनी सीजन में उगा सकते हैं। जून जुलाई में आप इनको, इनके जो बीज हैं वह 15x15 इंच या इससे बड़े साइज के ग्रो बैग में लगा दीजिए। कॉर्न लगाने के लगभग 60 से 70 दिन बाद ही इसमें से आपको कॉर्न तोड़ने को मिल जाएगा। अगली हमारी सब्जी है तोरई। इसमें आप तोरई, गिलकी और स्नेक गार्ड, इस तरह की सब्जियों को लगा सकती हैं। इन सभी को लगाने के लिए 18x18 इंच का ग्रो बैग लीजिए, सीधे ही इसमें बीज लगा दीजिए। 60 से 70 दिन में आपको तोरई, गिलकी जैसी सब्जियां तोड़ने को मिलने लगेंगी और ये बारिश के मौसम में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। इसके बाद हमारी अगली सब्जी है पालक। पालक को आप बारिश के मौसम में उगा सकते हैं। पालक लगाने के लिए जो ग्रो बैग की हाइट है वो 6 इंच लीजिए, चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए उसकी, जैसे 24x6 इंच, 24x9 इंच का ग्रो बैग आप ले सकते हैं। पालक के बीजों को सीधे ही लगाया जाता है और पालक लगाने के लगभग 40 से 45 दिन बाद आपको काटने को मिलने लगेगी। आप पालक को 2 से 3 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप इसके जो पौधे हैं, पत्ते हैं, वो स्टेम से काटते हैं। अगली हमारी सब्जी है जो आप बारिश के मौसम में उगा सकते हैं, वह है धनिया। धनिया भी बारिश में बड़े आसानी से हो जाती है, बस आपको ध्यान रखना है कि तेज पानी की बूंदों से इसे बचाना है और धूप में ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। धनिया लगाने के लिए भी ग्रो बैग की साइज 24x6 इंच सही रहती है। गहराई ज़्यादा जरूरी नहीं है इसमें, चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए और धनिया लगाने के लगभग 35 से 40 दिन बाद ही आपको धनिया जो है पत्ती तोड़ने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है जो आप रेनी सीजन में लगा सकते हैं, वह है सूरन, जिसे जिमीकंद या ओल के नाम से भी जाना जाता है। इसका कंद लगाया जाता है। अगर आपके पास सूरन का कंद नहीं है तो आप मार्केट से इसका कंद ले आइए और उसे 15x15 इंच या इससे बड़े ग्रो बैग में लगा दीजिए। लगभग 90 दिन बाद आपको उसमें से ढेर सारे सूरन के जो कंद हैं वो निकालने को मिल जाएंगे। अगली हमारी सब्जी है हल्दी। हल्दी को स्पेशली मई जून में लगाया जाता है और इसे लगाने के लिए 24x12 इंच का ग्रो बैग बेस्ट होता है। हल्दी के जो बीज हैं वो हल्दी को ही लगाया जाता है, मतलब कंद को लगाया जाता है, तो मार्केट में आप इसको ले सकते हैं हल्दी के बीज को। और हल्दी लगाने के लगभग 8 महीने बाद आपको इसमें से ढेर सारी हल्दी निकालने को मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है अदरक। अदरक को भी आप जो है मई जून में लगाइए। अदरक लगाने के लिए सेम मेथड है, अदरक को ही लगाया जाता है। 24x12 इंच का ग्रो बैग बेस्ट होता है और अदरक भी आपको 8 से 9 महीने में निकालने को मिल जाएगा। और अदरक के जो स्टेम है, अदरक के पत्ते हैं, आप इनका भी बाद में अलग अलग तरह की डिश बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है अरबी, जिसे आप बरसात के समय में उगा सकते हैं। अरबी लगाने के लिए 24x12 इंच का ग्रो बैग सही होता है। अरबी को भी अरबी से ही लगाया जाता है, मतलब इसके भी कंद लगाए जाते हैं। जब आप अरबी लगाएंगे तो अरबी लगाने के लगभग 40 दिन बाद ही आपको इसके पत्ते हार्वेस्ट करने को मिलने लगेंगे और लगभग 90 से 100 दिन बाद आपको नीचे से ढेर सारी अरबी निकालने को भी मिलेगी। तो अरबी को जरूर लगाएं अपने होम गार्डन में।
अगली हमारी सब्जी है मूली। तो मूली आप रेनी सीजन में लगा सकते हैं। इसके लिए जो ग्रो बैग है, अगर आप लंबी वाली वाइट मूली लगा रहे हैं तो 15x15 का ग्रो बैग बेस्ट है। और मूली लगाने के लगभग 50 से 60 दिन बाद आपको मूली उखाड़ने को मिलेगी। एक मूली होती है लाल वाली गोल, इसे लगाने के लिए ग्रो बैग की जो साइज है वह 12 इंच गहराई या 9 इंच गहराई सफिशियंट है। तो आप 24x9 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं और यह मूली लगभग 30 से 35 दिन में ही निकालने को मिल जाती है। ये गोल होती है और लाल, इसका ऊपर से लाल कलर होता है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगली हमारी सब्जी है गाजर। गाजर को भी आप रेनी सीजन में उगा सकते हैं, मतलब जून जुलाई में आप गाजर लगा सकते हैं। 15x15 इंच का ग्रो बैग बेस्ट होता है। सीधे गाजर के बीज ग्रो बैग में, मतलब मिट्टी में लगाए जाते हैं और 60 से 80 दिन बाद आपको इसमें से गाजर निकालने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है लाल भाजी और चौले की भाजी। दोनों भाजियों को 24x6 इंच या 24x9 इंच के ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं और 40 से 45 दिन में ये भाजी काटने लायक हो जाती है और 3 से 4 बार आप इन्हें आराम से काट सकते हैं और लंबे समय तक आपको ये जो पत्तेदार सब्जी है वो देती रहेंगी। अगली जो सब्जी है, सब्जी कहें या हर्ब कहें, ये है पुदीना। पुदीना को आप बीज और कटिंग दोनों तरीके से उगा सकते हैं। आप इसे कटिंग से लगाते हैं तो लगभग ये 30 दिन में ही आपको पुदीना मिलने लगेगा और अगर आप बीज से लगाते हैं तो लगभग 45 दिन बाद आपको पुदीना की जो पत्तियां हैं वो तोड़ने को मिल जाएंगी। अगली हमारी सब्जी है बीन्स, जिसमें आप फ्रेंच बीन्स को लगा सकते हैं। इसके लिए 12x12 इंच का ग्रो बैग बेस्ट है। उसमें आप एक फ्रेंच बीन्स का जो पौधा लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स के जो बीज हैं वो बुश वैरायटी और मचान वैरायटी अलग अलग आती हैं, तो बुश वैरायटी के लिए 12x12 इंच का ग्रो बैग बेस्ट है। लगाने के लगभग बीज आप सीधे जब ग्रो बैग में लगा देंगे तो 50 से 60 दिन बाद आपको ढेर सारी फ्रेंच बीन्स तोड़ने को मिलने लगेंगी। अगली हमारी सब्जी है गवार फली। गवार फली को भी आप रेनी सीजन में उगा सकते हैं। गवार फली को लगाने के लिए 12x12 इंच का ग्रो बैग बेस्ट होता है। इसमें आप एक पौधा लगाइए और 60 से 70 दिन बाद आपको वहां से ढेर सारी गवार फली तोड़ने को मिलेंगी। अगली हमारी सब्जी है बरबटी, जिसे लोबिया भी कहा जाता है। बरबटी भी आपको बुश और मचान वैरायटी में मिल जाएगी और इसे लगाने के लिए 15x15 इंच का ग्रो बैग बेस्ट होता है। लगभग 50 से 60 दिन बाद आपको बरबटी तोड़ने को मिल जाएंगी। तो ये जो आपने अभी जानी, ये लगभग 25 अलग अलग तरह की सब्जियां मैंने आपको बताई। ये सारी सब्जियां जो है मैंने मेरे होम गार्डन में, जो है जहां मैं गार्डनिंग करता हूं टेरेस पर, वहां पे मैंने उगाई हुई हैं और उनका रिजल्ट आपने इस वीडियो में देखा। तो अगर आप भी इस रेनी सीजन अपनी खुद की ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं और उनका खाने में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन 25 जो रेनी सीजन वेजिटेबल हैं इनमें से अपनी पसंद के हिसाब से आप लगा सकते हैं। ये सारी सब्जियां बारिश के मौसम में हो जाती हैं। बस ध्यान रखें, इन्हें जब भी ग्रो बैग या गमले में लगाएं तो उसके लिए मिट्टी अच्छे से तैयार करें, क्योंकि मिट्टी एक बेस होता है जिस पर डिपेंड सारी चीज़ें होती हैं कि आपका पौधा कितना अच्छे से ग्रो होगा और आपको कितनी अच्छी सब्जियां मिलेंगी। मिट्टी बनाने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट खाद मिलाइए, जैसे बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, नीम खली मिलाइए और मिट्टी ऐसी बनाइए कि उसमें पानी ना रुके, ताकि बारिश के मौसम में अगर हमारे ग्रो बैग या गमले में पानी रुकेगा तो पौधे खराब हो जाएंगे। तो ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए। अच्छी मिट्टी बनाकर अच्छे तरह के सीड खरीद कर उन्हें लगाएं। सीड के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं organicbazaar.net। यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी के लगभग सारे तरह के सीड मिल जाएंगे। आप यहाँ से बेस्ट क्वालिटी सीड परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है और इन सारी सब्जियों को लगाने का जो तरीका है वह भी मैंने अलग अलग वीडियो में शेयर किया है। तो आप हमारे चैनल पे हाउ टू ग्रो की सीरीज देख सकते हैं, उसमें मैंने जो सब्जियां हैं बीज लगाने से लेकर सब्जी तोड़ने तक की पूरी जानकारी दी हुई है। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने जाना जून जुलाई में बरसात के समय में कौन सी वह 25 खास सब्जियां हैं जो आप लगा सकते हैं। अगर इनमें अगर कोई ऐसी सब्जी है जो छूट गई है मुझसे या आपके एरिया में स्पेशली वह होती है तो ज़रूर कमेंट्स कर बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी उनकी जानकारी हो जाए। और आप इस रेनी सीजन अपने गार्डन में क्या क्या उगा रहे हैं उसके बारे में भी कमेंट्स कर लिखें। अगर आपको कोई डाउट है इन सब्जियों को उगाने में तो आप मुझसे कमेंट्स कर वो चीज़ पूछ सकते हैं। ग्रो बैग, फर्टिलाइजर, सीड सभी आपको organicbazaar.net वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो अभी वेबसाइट विजिट करें और अपने घर पर खुद की ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएं।
आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।